बना करके उसे आँख में लगाते हैं, फूंक देते हैं, फिर भी वो हमें आँख में बड़ा दर्द देता है। एक कहावती लोकोक्ति मुहावरे आपने सुने होंगे कि तिनके का सहारा। कई बार तीन के साथ मिल जाते हैं, कहते हैं तीन के का सहारा। तो तीन के का सहारा हमें बहुत बड़ा काम कर जाता है। नदी के किनारे अगर कहीं डूबते हो तो एक उठा लो तिनका, उसके सहारे से नदी पार करके आ जाओ। बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जो ये कविता है उस कविता को आप अच्छे से पढ़िए। तीन ही टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिकों को कॉपी में लिखिए, नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखिए, और ऐसे ही हीरे मोती जैसे लगें ऐसे शब्द होने चाहिए, कविता और सुंदर बन जाए। मैं आपको कविता सुनाती हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन था, मूड़े पर खड़ा अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। जब मनुष्य के घमंड होता है ना, खड़ा रहता है, तो घमंड में एक तिनका भी उसका घमंड चूर कर देता है आँख में पड़ते ही। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लग लोग कपड़े की लगे, ऐठे बिचारी दबे पाँव भगी। जब किसी डहब से निकला तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनके ने बहुत तेरे लिए किया, तू इतना क्यों ऐंठ रहा है, एक घास के तिनके ने भी तेरे को तो तेरे घमंड को चूर कर दिया। इस प्रकार बच्चों कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी करने का अभ्यास कीजिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास और जन्मति हो त सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। क्या नहीं हो सकता है, करने से सब कुछ हो जाता है। धन्यवाद।